वीडियो में आपको बताएंगे कि इन सभी सेंसर्स और मोटर में ओरिजिनल कौन से और फेक और आपको कौन सा बोर्ड लेना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं अपने आर्डिनो से। ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, ये R3 क्लोन है। इसमें अपन को IC चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया है। और ये गाइस, ये जो बोर्ड है वो SMD टाइप बोर्ड है। और इसमें अगर IC खराब हो जाती है तो रिप्लेस करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो आप ऊपर की तरफ ये आर्डिनो देख रहे हैं, ये ओरिजिनल वाला है। इसमें कोड अपलोड करते समय कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसकी IC खराब होती है तो हम सिंपली नई IC मार्केट से परचेज करके इसमें रिप्लेस कर सकते हैं घर ही में। तो गाइस, ये जो R3 क्लोन है, ये बोर्ड आपको नहीं लेना है। इसमें हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइस, ये जो आप मेरे हाथ में आर्डिनो नैनो देख रहे हैं, ये ओरिजिनल वाला है। इसमें एकदम क्लियर नंबर लिखे रहते हैं सामने भी और बैक साइड में भी। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एकदम क्लियर। और ये पीछे भी लिखे रहते हैं। और जो फेक वाले रहते हैं उसमें ना बैक साइड में नंबर लिखे रहते, सामने लिखे रहते तो एकदम डल डल से लिखे रहते, मतलब ब्लर पूरे। तो गाइस, ये जो आप सर्वो मोटर देख रहे हैं, 90 to 90 डिग्री घूमती है। कई लोग को पता नहीं रहता कि इसमें